सो हेलो गाइज, मैं हूँ साहिल, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ गैजेट्स डिस्कवरी के एक नए टेक अपडेट वीडियो में। गाइज, अगर आप लोग एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए। सबसे फर्स्ट में हम शुरू करते हैं एप्पल से, और कुछ ऐसे लीक्स निकल के आ रहे हैं एप्पल के बारे में कि एप्पल अपने हॉस्पिटल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर आपको एप्पल की तरफ से डॉक्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और शायद एप्पल इस आइडिया पर टेस्ट भी कर चुका है, और एप्पल ने अपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोडक्ट डिज़ाइनर और पूरे स्टाफ की एक टीम तैयार करी थी, और उन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स को हायर किया था, और वहाँ पे जो उनके पेशेंट थे वो भी उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो सब थे। अब आप लोग सोच के देखिए, अगर एप्पल अपने हेल्थ केयर क्लिनिक्स जो है डेवलप कर लेता है तो ये कितना पावरफुल सिस्टम होने वाला है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ का डाटा है वो एप्पल वॉच में या फिर एप्पल के स्मार्टफोन में पूरा वहाँ पे स्टोर रहता है, और वहाँ से डॉक्टर्स जो है आपके हेल्थ केयर को पूरे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट, फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे जो रील्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लॉन्च कर दी है ग्लोबली। जैसे अभी आप रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे अब से आपको जो है बीच बीच में एड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे जो है पॉडकास्ट शुरू करने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे जो फेसबुक यूजर्स हैं उनके लिए तो एक गुड न्यूज़ है, लेकिन इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक बैड न्यूज़। और इस एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। गाइस, नेक्स्ट, रियलमी जो है अपना रियलमी GT इंडिया में दिवाली से कुछ दिन पहले लॉन्च कर सकता है, यानी कि सेप्टेम्बर के मिड में या फिर एंड में आपको रियलमी GT इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और रियलमी के CEO की तरफ से ये कन्फर्म किया गया है। और गाइज, इसके अलावा जो रियलमी के पैड्स है और रियलमी बुक है वो भी कुछ इसी टाइम में लॉन्च होने वाली है। गाइज, नेक्स्ट, गैलेक्सी टैब S7 FE और गैलेक्सी टैब A7 Lite इंडिया में लॉन्च किए जा चुके हैं, और 23 जून से इनकी जो सेल है सैमसंग के ऑफलाइन स्टोर और Samsung.com पे आपको देखने को मिल जाएगी। गैलेक्सी टैब S7 FE 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आने वाला है 46,999 रुपए में, और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला है 50,999 रुपए में। गैलेक्सी टैब A7 लाइट LTE मॉडल 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज के साथ आने वाला है 14,999 रुपए में, और सेम स्पेसिफिकेशन के साथ वाईफाई वेरिएंट आने वाला है 11,999 रुपए में। रियलमी की तरफ से नार्जो 35G और एक LED TV 24 जून को इंडिया में लॉन्च किए जाने हैं, और इसी के साथ आपको बर्ड्स Q2 का भी लॉन्चिंग देखने को मिलेगा। और बर्ड्स Q2 के साथ आपको 20 घंटे का टोटल प्लेबैक टाइम मिलने वाला है चार्जिंग केस के साथ। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है डेडिकेटेड गेम मोड भी दिया जाने वाला है, ताकि जो लेटेंसी है साउंड की वो कम हो, यानी कि जब भी आप गेम वगैरह प्ले करो फोन में तो जो रियल साउंड है वो आपको कानों में सुनाई दे। साथ ही कॉल्स के लिए भी नॉइस कैंसिलेशन होने वाला है। गाइस, इससे नेक्स्ट, व्हाट्सएप की तरफ से आपको जल्दी एक अपडेट देखने को मिलेगा। और गाइस, इस अपडेट में होने वाला क्या है, जैसे अभी के टाइम में आप अपना व्हाट्सएप का जो भी बैकअप लेते हो वो सब गूगल ड्राइव पे सेव हो जाता है, और जब दूसरे स्मार्टफोन में आप उसे लॉगिन करते हो तो सारा डाटा वहां से आप जो है रिकवर कर लेते हो। लेकिन गाइस, अब से गूगल ड्राइव में जो भी डाटा है वो बैकअप नहीं होने वाला। व्हाट्सएप की जब भी ये अपडेट आएगी तो उस अपडेट के बाद जो भी आपका चैट बैकअप होगा, जो भी आप व्हाट्सएप में बैकअप करोगे वो सब आपके स्मार्टफोन में ही सेव होने वाला है। गाइस, नेक्स्ट, क्विक हिल एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसने प्ले स्टोर पे 8 ऐसी एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई किया है जो कि जोकर नाम के मालवेयर से इन्फेक्टेड है। सभी एप्लीकेशंस के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है ऑक्सिलरी मैसेज, फिर फास्ट मैजिक SMS, फ्री कैम स्कैनर, सुपर मैसेज, एलिमेंट स्कैनर, गो मैसेजेस, ट्रेवल वॉलपेपर्स एंड सुपर SMS। ये वो 8 एप्लीकेशंस हैं जो जोकर मालवेयर से इन्फेक्टेड है। और गाइस, ये जो मालवेयर है ये आपके फ़ोन से जो पर्सनल डिटेल्स है वो सब चुरा लेता है, और इसके अलावा जो ये एप्लीकेशंस है इनमें जो भी पेड सर्विसेज रहती है वो बिना यूज़र की परमिशन के एक्टिवेट कर देता है। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो एप्लीकेशन ज़्यादा नोन नहीं है तो ठीक से उसके रिव्यू वगैरह है वो चेक कीजिएगा, और उसी के बाद उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। गाइस, नेक्स्ट, पोकेमोन यूनाइट एक नया मोबाइल गेम जो है एंड्रॉइड और iOS के लिए सितंबर में लॉन्च होने वाला है। और गाइस, इस गेम की जो अनाउंसमेंट है वो जून 2020 में की गई थी, लेकिन अब जाके इसकी रियल टाइम जो रिलीज डेट है वो सामने आई है। ये जो गेम है ऑनलाइन बैटल गेम होने वाला है, और पोकेमोन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गेम का एक ट्रेलर भी लॉन्च किया गया है। और गाइस, नेक्स्ट, शाओमी को लेकर ऐसे रूमर्स है कि शाओमी मी मिक्स 4 स्मार्टफोन की डेवलपमेंट में काम कर रहा है, और इस स्मार्टफोन में आपको फुल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, यानी कि जो फ्रंट साइड में पंच होल कैमरा होता है वो नहीं होगा, अंडर डिस्प्ले कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही मी 11 अल्ट्रा जो है उससे महंगा ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, और इसकी जो लॉन्चिंग है वो अगस्त और सितंबर तक देखने को मिल सकती है। तो गाइस, ये थे आज के कुछ टेक अपडेट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और गाइस, अप टू डेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।